भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं चले हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इससे पहले भी बहुत चीजें हुई, बहुत पहले प्रधानमंत्री हुए, बहुत पहले मंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, लेकिन इस तरह का हृदय बहुत अलग बात, अलग। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने सुरों के जरिए भगीरथ की उपमा देते गायक कैलाश खेर की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल दोस्तों, गृह मंत्री की प्रशंसा में फिल्म बाहुबली का गीत गाते गायक कैलाश खेर को उनके इस वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स गृह मंत्री की चाटकारिता और चरण वंदना का आरोप लगाते हुए जमकर हमलावर हो गए हैं। वहीं दोस्तों, सिंगर कैलाश खेर के इस वीडियो में उनकी भावभंगिमा और इशारे कुछ ऐसे हैं मानो ये गीत अभिनेता प्रभास के लिए नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए ही लिखा गया हो। फिल्म बाहुबली के जिस गीत को गाते गायक कैलाश खेर गृह मंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं उसका आशय ये है कि नायक का तेज इतना विराट है कि चारों दिशाओं में फैल गया है और उसकी भुजाओं में कथाएं यानी कि इतिहास बदलने की शक्ति है। नायक ऐसा भगीरथ है कि भगवान शिव खुद उसकी तरफ चले आ रहे हैं। दोस्तों, गायक कैलाश खेर की माने तो जिस तरह वो गृह मंत्री को इंगित करते हुए गा रहे हैं वो नायक कोई और नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह स्वयं हैं और आज उनके कारण ही सतयुग का सूत्रपात हुआ है, भगवान शिव खुद उनकी तरफ चले आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, कैलाश खेर का ये मानना है कि इसके पहले भी बहुत सारी चीजें हुई, कई प्रधानमंत्री, मंत्री और गृह मंत्री हुए, लेकिन जैसा हृदय गृह मंत्री अमित शाह का है वैसा किसी का नहीं रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुराने जमाने में हर राजा महाराजा के दरबार में चारण भाट का एक पद हुआ करता था और ये भाट पद अपने राजा की प्रशंसा में काव्य और ग्रंथों की रचना किया करते थे। सिंगर कैलाश खेर का यह वीडियो लोगों को इतिहास के उसी दौर की याद दिलाता है। दोस्तों, इस पर विकास बंसल नाम के एक यूजर ने गायक कैलाश खेर के इस वीडियो पर कटाक्ष करते हुए इसे राज्यसभा सीट के लिए स्तुति गान बताते हुए लिखा, नया चरण चाटू कैलाश खेर, इसको भी राज्यसभा की सीट चाहिए, इसीलिए भाट बनकर शाह की स्तुति कर रहा है।